दोस्तों, हर एक स्टूडेंट के अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है, एक विशेष प्रकार की प्रतिभा होती है। और हमारा एक टीचर का, एक गार्जियन का और एक समाज का कर्तव्य होता है कि वो उस बच्चे के अंदर की उस प्रतिभा को पहचाने और उसको निखारने में उसकी मदद करे। यहाँ पर सबसे बड़ा दायित्व उसके अध्यापक का होता है, उसके टीचर का होता है। और अगर किसी स्टूडेंट की बेसिक शिक्षा, उसकी प्राइमरी एजुकेशन उस लेवल की दी जाए जिससे कि वो चीज़ों को सोच सके, उसके बारे में समझ सके, उसके रटने की प्रवृत्ति ना बन जाए, वो चीज़ों को अपने आप एनालाइज करे, सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और अगर इस तरीके से उसकी प्राइमरी एजुकेशन क्लास वाइज, क्लास फर्स्ट से लेकर के ट्वेल्थ तक दी जाए, तो वो स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकता है। उसके लिए कोई सा भी टारगेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं रह जाता। फिर हर स्टूडेंट एक अलग अलग प्रतिभा का धनी होता है। किसी का इंटरेस्ट होता है कि वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा करे, कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहता है, किसी का साइंस में इंटरेस्ट रहता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई लेक्चरर बनना चाहता है। और उनके अंदर ये जो प्रवृत्ति होती है ये खुद से आती है, सिर्फ उनका उनकी स्वचेतना जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझको इस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको बोर नहीं होता करने। और अगर उस फील्ड में उसको सही गाइडेंस शुरुआत से ही सही सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली वो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। आप सबको तो मालूम ही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है। अगर हम छोटे शहरों की या गांव के स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं। जब वो क्लास से आगे चले जाते हैं तब उनको पता चलता है कि यार ऐसा भी था। अब होता क्या है कि हमारी एक मेंटेलिटी ऐसी बना दी जाती है, हमारी एक सोच ऐसी बना दी जाती है कि आप जिस क्लास में उसके सिलेबस के अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा कोई और कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब अपने टीचर से आपने कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया तो आपको बोल रहा है कि नहीं, हम तो सिलेबस से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते, हम तो कंपटीशन पढ़ाते नहीं हैं। और तुम अगर कंपटीशन पढ़ रहे हो, सिलेबस से थोड़ा इधर उधर जा रहे हो, तो तुम्हारा एग्जाम बेकार हो जाएगा, तुम्हें अभी केवल अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं, ये इस बच्चे के भविष्य को बनाएंगे नहीं, उसकी सोच को सीमित और संकुचित कर देते हैं। और मैं देखता हूँ कि बच्चों की भी सोच वैसी हो जाती है। वो काफ़ी स्टूडेंट इलेवंथ में स्टारे नहीं, अभी तो हम बोर्ड देखेंगे, उस बोर्ड पर ध्यान देना है। कंपटीशन उनके लिए लगता है कि एक बहुत बड़ी तोप सी है, लेकिन सच ये है, एक्चुअलिटी ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि वास्तविकता में कंपटीशन का मतलब कुछ नहीं। आप एग्जांपल के फॉर्म में मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप जेई मेंस कर लीजिए एग्जांपल, या एडवांस कर लीजिए, बहुत टफ एग्जाम माना जाता है। अब इसका सिलेबस देखिए क्या है, इलेवंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस दोनों मिला दिया गया। और जो बच्चा अपने इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास में होता है और वो अगर स्कूल टीचर से इस लेवल की प्रॉब्लम पूछे, मैं सारे टीचर्स को नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही होते हैं जो अपने दायित्व को समझते हैं, अपने टीचर होने पर गर्व करते हैं और अपने काम को बखूबी करते हैं, स्टूडेंट को उस लायक बनाते भी हैं कि वो कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी लक्ष्य हो उसका, वो आराम से अचीव करे। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर जो स्कूल में होता है या जो हम फेस करते हैं, जो हमने फेस किया है, जो आप लोगों ने फेस किया होगा, जनरली होता है, मैं उसकी बात करूँ तो ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। बहरहाल उसके अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो तो अलग ही बात है। हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो उद्देश्य है, केवल बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, स्टूडेंट को ये बताना कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप अपने पढ़ने का तरीका जो है उसे बदलना होगा, समझना होगा कि आपको उस क्लास में उस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप जिस भी क्लास में हो, आप उसका कंप्लीट सिलेबस देखिए, उस क्लास में रहते हुए आप पता करिए। हमारा दायित्व है, हमारे समाज का दायित्व है, टीचर का दायित्व है कि वो बच्चों को बताए। अगर बच्चों को नहीं बताएगा फिर भी एक बच्चे के अंदर ही जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने टीचर से पूछे, जिन लोगों से मिले जिनको समझ में आए कि नहीं ये इनके पास कुछ जानकारी होगी, उनसे पूछे कि मैं इस क्लास में हूँ, आप बताइए मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप सब जानते हैं कि एक फिफ्थ क्लास का लड़का, अगर उसको ये ना बताया जाए, स्कूल वाले उसको ना बताएं कि भाई फोर्थ क्लास में या फिफ्थ क्लास में उसको ना बताएं कि जेएनवी का भी कोई एग्जाम होता है, एट्थ का लड़का उसको ना बताया जाए, उसको पता ही नहीं रहे जेएनवी के एग्जाम के बारे में, एनटीएससी के एग्जाम के बारे में, सीएचएस के बारे में, ऐसे जो काफ़ी सुनहरे अवसर होते हैं बच्चों के लिए, अगर उसको उनको पता ही नहीं रहेगा तो वो कैसे उस चीज़ के का पेपर क्लियर कर पाएंगे। जब निकलते हैं तब उनको पता चलता है, पता लगा बोर्ड का एग्जाम एक महीने उसके पहले हमको मालूम चला कि भाई मेंस का भी कुछ एग्जाम होता है, ट्वेल्थ हमारा पूरा भी गया, अब हमको पता चला। तो जो मेन चीज़ है वो ये कि सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर एक स्टूडेंट को मिलना।
और इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो गार्जियन समझते हैं इस चीज को, वो अपने बच्चों को उस वे में प्रिपेयर भी करते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये कि हर एक क्लास के बच्चे को, फिफ्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक के बच्चे के लिए क्लास वाइज जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब की डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स देना, कैसे उस बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, और जितने कोर्सेस हम बना सकते हैं उसकी लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करेंगे।